दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री के अभिनेत्रियों ने आज अभिनेताओं की तरह ही अपना खूब जलवा बिखेरा है। चाहे बात वो साउथ इंडस्ट्री की हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री की, हर तरफ साउथ अभिनेत्रियों की ही छवि छाई हुई है। और यही वजह है कि आज इन अभिनेत्रियों की ही यही दीवानगी जहाँ इन अभिनेत्रियों को काफ़ी प्यार दिलाती है, तो वहीं मेकर से अच्छी खासी रकम दिलाती है। और यही वजह है कि आज साउथ इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियाँ तो ऐसी भी है जो दर्शकों में अपनी दीवानगी की वजह से ही मेकर्स को एक ही फिल्म में कंगाल बनाने का काम करती है। जी हाँ, और इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो कि साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी हाई फीस की डिमांड रखती है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों से। नंबर एक, रश्मिका मंदाना। मेकर्स को एक ही फिल्म में काम करके कंगाल करने वाली अभिनेत्रियों में सबसे पहला नाम शुमार है रश्मिका मंदाना का, जिन्होंने पुष्पा फिल्म से दर्शकों में अपनी दीवानगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है। और यही वजह है कि जहां इस फिल्म के पहले पार्ट के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलते थे, तो वहीं दूसरे पार्ट के लिए उन्हें मेकर्स के आगे 3 करोड़ रुपए की मांग रख दी है। नंबर दो, नयनतारा। हाल ही में शादी रचा चुकी सुर्खियों में शुमार होने वाली नयनतारा भी आज साउथ इंडस्ट्री की नंबर वन अभिनेत्री है, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार का खिताब भी हासिल किया है। और यही वजह है कि नयनतारा अपनी फिल्म को करने के लिए आज काफ़ी मोटी रकम चार्ज करती है। जी हाँ, बता दी, अपनी एक फिल्म को करने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती है। नंबर तीन, पूजा हेगड़े। अला विकंठ पुरलम्बो डीजे जैसी फिल्मों से अभिनेत्री पूजा हेगड़े आज भी अपनी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुकी है। इनके बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा सफल और बड़ी फिल्म रिलीज हुई है। इसी के साथ ही सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में भी नजर आने वाली है, जिसकी वजह से इन्होंने भी अपनी फीस बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। बता दें, अभी एक फिल्म को करने के लिए 4 करोड़ रुपये चार्ज करने लगी है। नंबर चार, समंथा। इस लिस्ट में नंबर चार पर नाम शुमार है अभिनेत्री समंथा रूट प्रभु का, जो कि इंडस्ट्री में आज अपने दम पर अलग ही मुकाम हासिल कर चुकी है। बता दें, समंथा ने कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म पुष्पा में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इसके साथ ही बता दें, यह आज एक फिल्म को करने के लिए 6 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है। नंबर पाँच, रकुल प्रीत सिंह। लिस्ट में आखिरी नाम शुमार होता है अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का, जो कि आज साउथ इंडस्ट्री में अपना जलवा बिखेरने के साथ ही बॉलीवुड में भी काफ़ी जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गई है। इसी के साथ ही बता दें, रकुल प्रीत सिंह भी फिल्मों में अभिनय करने के लिए काफ़ी हाई फाई फीस चार्ज करती है। जी हाँ, बता दें, रकुल प्रीत सिंह आज एक फिल्म के 3 करोड़ तक चार्ज करती है। तो दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों में से आपको कौन सी अभिनेत्री उसकी फीस के अकॉर्डिंग डिजर्विंग लगती है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।